दोस्तों वैसे तो दुनिया बेहद अनोखे जानवरों से भरी हुई है जिसमें अनगिनत जीव जंतु मौजूद हैं, जिनमें से आपने भी बहुत से जानवरों को देखा होगा। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में जिन जानवरों को हम आपको दिखाने वाले हैं उन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और ये ऐसे जानवर हैं जिन्हें देखने के लिए सचमुच नसीब की जरूरत होती है। तो दोस्तों चलिए आज की इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। नंबर वन, रिबन सील। दोस्तों आपने इन सील को तो देखा ही होगा, जिनके बारे में ज्यादातर सभी लोग जानते हैं और जो कि अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि सील में हमें कई तरह की प्रजातियां आप देखने को मिलती हैं, जैसे कि लेपर्ड सील, हुडेड सील वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम आपको सील की एक ऐसी प्रजाति दिखाने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा रेयर है। मिलिए रिबन सील से, जो कि अंटार्कटिका के नॉर्थ पोल में पाए जाते हैं। इन सील का शरीर पूरी तरह से ब्लैक होता है, जिस पर आपको व्हाइट स्ट्रिप्स देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से इनका नाम रिबन सील रखा गया। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि ज्यादातर सील अपनी एक कॉलोनी बनाकर रहना पसंद करते हैं, लेकिन इन सील के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर अकेले रहना ही पसंद करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इन रिबन सील के शरीर पर ये स्ट्रिप जन्म से नहीं होती, बल्कि जन्म से इनका शरीर बिल्कुल प्लेन होता है, और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही इनके शरीर पर ये स्ट्रिप्स बनती रहती हैं। नेक्स्ट इज रेड पांडा। दोस्तों रेड पांडा का नाम सुनकर शायद आपको यकीन ना हो रहा हो, शायद आपको लग रहा हो कि रेड पांडा जैसा कोई जीव नहीं पाया जाता। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि रेड पांडा जैसा जीव भी, यानी कि रेड पांडा, इस दुनिया में पाया जाता है। ये रेड पांडा दिखने में बेहद ज्यादा क्यूट होता है, जिनका कोट भी बेहद ही ज्यादा फ्लफी और क्यूट होता है। ये रेड पांडा ज्यादातर एशिया में पाया जाता है। कुछ लोग तो इस रेड पांडा को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये किसी फॉक्स की प्रजाति है, लेकिन ये किसी फॉक्स की नहीं बल्कि ये एक पांडा की प्रजाति है, जिसका शरीर लाल कलर का होता है, इसी वजह से इसे रेड पांडा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये बेहद खूबसूरत रेड पांडा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इज कैपीबारा। दोस्तों हमारा अगला जो जानवर है वो काफी अनोखा और अनदेखा है। ये एक चूहे की प्रजाति का जीव है, जो कि इस प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है। ये देखने में बिल्कुल किसी चूहे की तरह ही नजर आते हैं, जो कि देखकर आप खुद ही समझ सकते हैं। इनके साइज की बात की जाए तो ये 3 फीट हाइट में और इसके साथ ही 60 किलोग्राम वजन में होते हैं। कैपीबारा को ज्यादातर पानी में रहना पसंद होता है, और आपको ये ज्यादातर पानी में ही देखने को मिलते हैं। इनके स्वभाव की बात की जाए तो ये काफी ज्यादा शांत और लविंग नेचर के होते हैं, जो कि किसी भी जानवर या इंसान से काफी अच्छे से घुल मिल जाते हैं। ये सिर्फ लविंग नेचर के ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा समझदार भी होते हैं। तो दोस्तों आपको ये कैपीबारा कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट इज वैम्पायर डियर। दोस्तों क्या आपने कभी किसी ऐसे हिरन को देखा है जिसके दांत वैम्पायर की तरह बाहर की साइड हो? अगर नहीं तो अब देख लीजिए, ये है वैम्पायर डियर, जिसके मुंह पर आपको वैम्पायर की तरह दांत देखने को मिलते हैं। इस डियर को इस तरह से देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये डियर काफी ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वभाव में ये डियर काफी ज्यादा प्यारे होते हैं, और इसके साथ ही इनके बेहद यूनिक टीथ इन्हें बेहद अनोखा दिखाने का काम करते हैं। ये जीव ज्यादातर उत्तराखंड में पाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड के अलावा ये अन्य हिमालय क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम में भी पाया जाता है। ये अपना निवास स्थान सर्द मौसम में भी नहीं बदलते, भले ही ये जीव भोजन की तलाश में दूर निकल जाएं, लेकिन ये वापस आकर अपने ही स्थान पर आराम करते हैं। इस जीव की याददाश्त शक्ति काफी ज्यादा मजबूत बताई जाती है, जिससे वो अपना रास्ता कभी भी नहीं भूलते। तो दोस्तों क्या आपने पहले कभी इस तरह के वैम्पायर हिरन को देखा था हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इज हरक्यूलस बीटल। दोस्तों बीटल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन जिस बीटल को आज हम आपको दिखाने वाले हैं उसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये बीटल राइनोसोरस फैमिली से बिलोंग करता है। ये इंसेक्ट्स सेंट्रल और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में ज्यादातर देखने
को मिलता है, जो कि साइज में बड़ा होने के साथ साथ अमेरिका का सबसे बड़ा और शक्तिशाली इंसेक्ट माना जाता है। इसे अमेरिका का सबसे ज्यादा बड़ा और ताकतवर बीटल माना जाता है, जिसकी साइज लगभग 180 mm तक बढ़ सकती है। इस बीटल को लोग हेलीकॉप्टर बीटल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब ये उड़ता है तो एक ऐसी आवाज निकलती है जो कि हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए निकलती है। तो दोस्तों, है ना ये बेहद कमाल का और अनोखा बीटल। आपको ये बीटल कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये थे दुनिया के कुछ बेहद ही अनोखे जीव। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।